ये आदत है उससे सीखना चाहिए। गलती का भी इवेंट कैसा था, संजय जी चेयर कर दे, गलती का भी इवेंट, फिर गलती दुरुस्त करने के बाद उसका उत्सव मनाने का इवेंट, ये सरकार से सीखना चाहिए। और उनको ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है ये मुझे मालूम नहीं। अगर इतना कॉन्फिडेंस है थोड़ा हमारे पास उधार दे दो, यहाँ भी थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत है। सर आज 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 आप ये बिल लेकर आए हैं, लेकिन ये बिल आधा अधूरा है। ये बिल में आपने अमेंडमेंट के बावजूद भी जब तक आप आरक्षण पर जो 50% का जो सीलिंग आपने रखा है वो 30 साल पुराना है, 30 साल हो गए, 30 साल में वो ऊपर अगर आप नहीं बढ़ाओगे, ऊपर अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो ये आज अमेंडमेंट किया है और कुछ आप बदलाव करेंगे कुछ नहीं। यहाँ इस सदन में देखिए हमारे छत्रपति संभाजी राजे बैठे, ये आंदोलन के नेता थे। छत्रपति जी हमारे कोल्हापुर के, ये जो आंदोलन चला सबसे बड़े नेता तो छत्रपति साहब थे हमारे। आज उनको भी यही भावना है कि 50% का आरक्षण जो है उसकी मर्यादा बढ़नी चाहिए। सर आज महाराष्ट्र में नहीं देश भर के ओबीसी बीसी के लाखों युवा अपनी तरफ देख रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, हमारे हाथों में हमेशा राष्ट्र की संरक्षण के लिए एक तो तलवार रही या बंदूक रही है आपको मालूम है, और ये हमारा धंधा रहा है। हमारे हाथों में कभी तागड़ी तराजू नहीं आया ना चोपड़ी आई, हम तो लड़ते रहे और इसीलिए सामाजिक न्याय की आस लेकर हम यहाँ खड़े है। ये सोशल जस्टिस का मामला है, ये पॉलिटिकल सोशल इंजीनियरिंग का मामला नहीं है। सर दो सेकंड, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज ने अपने राज्य कोल्हापुर में सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए पहले इस देश में सबसे पहले कदम उठाई थी। 26 जुलाई 1902 यानी 119 साल पहले छत्रपति शाहू जी महाराज ने यह ऐलान कर दिया था कि उनके राज में सभी सरकारी नौकरियां और स्कूल कॉलेज में अब से दलित पिछड़ों और आदिवासियों के लिए 50% आरक्षण दिया जाएगा। एससी एसटी ओबीसी का 50% आरक्षण देने वाला वो राजा महाराष्ट्र का था, वो राजा मराठा था। आज वही मराठा समाज महाराष्ट्र में अपने हक के लिए सड़क पर उतरा और न्याय मांग रहा है, उसे नहीं चाहिए, उसे अधिकार चाहिए। और मुझे थैंक यू।